14 की हॉकी विजेता टीम पहुंची गाजीपुर के मेघबरन स्टेडियम, पूर्व सांसद ने किया स्वागत। मेघबरन सिंह हॉकी एकेडमी की जूनियर टीम ने जीती है 14वीं पद्मश्री जमनलाल शर्मा मेमोरियल राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता। लखनऊ में आयोजित की गई थी पद्मश्री जमनलाल शर्मा मेमोरियल राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता। वहीं सीएम योगी ने अपने भाषण में गाजीपुर एकेडमी का जिक्र करते हुए बेहतर करने को कहा है। बता दें गाजीपुर के करमपुर मेघबरन सिंह स्टेडियम की अंडर 14 टीम ने लखनऊ में आयोजित 14वीं पद्मश्री चमनलाल शर्मा मेमोरियल राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया है। खिताब जीतने के बाद आज गाजीपुर के करमपुर मेघबरन स्टेडियम पहुंची टीम का पूर्व सांसद व प्रबंध निदेशक राधे मोहन सिंह ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि मेघबरन सिंह अकेडमी करमपुर हॉकी खिलाड़ियों के लिए नर्सरी मानी जाती है। यहां से ललित उपाध्याय जैसे ओलंपिक में रजत पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी भी निकले हैं, जो जिला और देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। आज एक बार फिर इस स्टेडियम के नन्हे बच्चों ने जो कमाल किया, उस पर खुद स्टेडियम के प्रबंध निदेशक व पूर्व सांसद को भी विश्वास नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि लखनऊ में आयोजित 14वीं पद्मश्री चमनलाल शर्मा मेमोरियल राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया है। वाराणसी की यूपी कॉलेज की टीम को हरा कर बच्चों ने ये जीत दर्ज की। आज अपने स्टेडियम पर पहुंचने पर इन बच्चों का भव्य स्वागत किया गया। बता दें पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने सभी बच्चों को माला पहनाकर और उनकी पीठ थपथपाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को हम इसलिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो भी आने वाले समय में नेशनल और ओलंपिक विजेता बन सके। वहीं पूर्व सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में गाजीपुर एकेडमी का जिक्र करते हुए निजी स्टेडियम को बढ़ावा देने की बात कही है। अभी आपके बीच जो यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, यह केडी सिंह बाबू सोसाइटी के द्वारा हर साल उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप होती है। यह पद्मश्री जमनलाल शर्मा जी के याद में कराई जाती है लखनऊ में। वहाँ पर हमारी टीम ने यह आयोजन 4-8 तारीख के बीच हुआ था, जिसमें कि यूपी कॉलेज वाराणसी को हराकर मेघबरन सिंह एकेडमी करमपुर ने इस खिताब को जीता था। पूरे प्रदेश से लगभग 20 टीमें यहाँ पर आई हुई थी और उसमें हम चैंपियन हुए। करमपुर के बारे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाजीपुर का नाम लिया तो मुझे लग गया कि वह गाजीपुर कहते हुए जो है वह करमपुर ही कह रहे थे, क्योंकि एकेडमी तो एक ही थी जो मेघबरन सिंह एकेडमी थी, और उसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया जो है कि जो निजी क्षेत्रों में जो खेल के प्रति अच्छे काम कर रहे हैं उनको सरकार मदद करेगी। इसमें आप अगर उस फोटो के विजुअल को जो आपने इन बच्चों को जो देखा है जो है, आप इस बात को, मैं तो सरप्राइज हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे इन बच्चों से यह उम्मीद नहीं थी कि यह उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप का खिताब जीत कर आएंगे। यह मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य है। मैं कह रहा हूँ कि 9 साल 8 साल और सबसे हाईएस्ट बच्चे 14 साल के हों। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।